दोस्तों आप सबके लिए एक मैसेज था कि हम 20 डेज प्लेज के अंदर अपने प्लेज पे चल रहे हैं, और हमने डे 14 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के बैक टू बैक तीन वीडियो डाले, और उसके बाद अकाउंटेंसी के लिए हमने आज मतलब डे 15 के अंदर, मतलब कल की बात करें अगर हम, डे 15 के अंदर हमने बैक टू बैक टू वीडियोज डाले। हमने इकोनॉमिक्स के डे 14 के अंदर अगर तीन वीडियोस डाले तो उसका रीजन था कि हम नहीं चाहते थे कि हम एक मेथड बता दें, दूसरा बता दें और फिर रुक जाएं, और आप फिर एकदम से डिलेमा में फंस जाओ कि कैसे करना था, सर आपने तो पूरा बताया नहीं, ना बेसिक्स बताए ना कुछ किया। हम नहीं चाहते थे कि कंटेंट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पहुंचे जहां पे आप अटक अटक के चीजें करो। हमने एक दिन पूरा इकोनॉमिक्स का लिया और बैक टू बैक तीन वीडियोस आपके पास लाए ताकि आपके लिए वो चीज बल्क में हो जाए और आप पूरा रिवीजन कर पाओ। अकाउंट्स का भी सेम आज हमने ऐसा किया है। जो कल का वीडियो आए थे, दो वीडियोस आए थे कल के, उसमें हमने क्या किया, कोशिश की, दो से तीन वीडियोस जो भी थे उसके अंदर कोशिश हमारी ये थी कि आपको एक एट ए स्ट्रेच स्टार्टिंग मिल जाए और फिर हम आगे की चीजें आपके लिए लेके आए। तो चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे हम अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप बस सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं आज शेयर्स का एक टफ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। डू यू थिंक दिस इज योर टाइम? चलिए, तो एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम ग्रुपिंग का, जो कि जनरली काफी लोगों का डाउट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होता है, सर कैसे करना है, इसके अंदर तो एनालिसिस टेबल बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये एनालिसिस टेबल के बिना होगा ही नहीं सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम लेंगे, एक बार कंसेप्ट बनाएंगे और वो एनालिसिस टेबल की जो आदत है उसको छोड़ देंगे। देखो, मैं नहीं कह रहा अपने कंसेप्ट चेंज करो, अगर आपको बहुत अच्छे से शेयर्स आता है, आपका 8 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाता है, आपका अभी तक प्री बोर्ड का पेपर कभी नहीं छूटा, आप हमेशा 90s टच कर रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ एंटरटेन हो, क्योंकि तुम लोग हो जीनियस, जो लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम लोग कुछ एक नया तरीका भी सीखो, तुम लोग स्मार्ट एनफ हो वो चीज़ सीखने के लिए, और जिनके साथ पेपर छूटने की घटनाएं अधिकतर होती रहती है उनके लिए ये चीज है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्केट में इशू किए गए हैं 50,000 शेयर्स, ₹3 एप्लीकेशन पे हैं, ₹4 अलॉटमेंट पे हैं, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है 75,000 के लिए। तो मैं पूरा क्वेश्चन एज अ होल लिखता हूं, जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो 75,000 हैं और मैक्सिमम जो अलॉट हो सकते हैं वो 50,000 है, क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए थे। अब हुआ ये कि पहले जनरली क्वेश्चन एज अ होल किया जाता था, क्या आ जाता था इसमें से कि कुछ रिजेक्ट हो गए, कुछ प्रोरेटा कर दिए, क्वेश्चन करके दिखाओ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे दो ग्रुप बांटे, नंबर वन और नंबर टू। ठीक है, नंबर वन में उन्होंने क्या बोला कि जो लोग 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको अपन ने 30,000 शेयर्स दिए। ठीक है भाई, जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें हमने 20,000 शेयर्स दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो कोई टेंशन नहीं है, हमें आप ऐसा दे दो वैसा दे दो कैसा भी दे दो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसमें, जैसे नॉर्मली करते हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचता है, एक ये ग्रुप है, इसमें एक्सिस शेयर्स जो है वो बेसिकली 10,000 है। ठीक है भाई, 10,000 ये क्या है, ये आपके वो शेयर्स एक्सिस में है जो कि इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी करता हूं जो कि ₹3 है, तो हमारे पास जो एक्सिस मनी है वो आ जाएगा 30,000 रुपीस। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने एक तरीके से क्या किया, पहले पूरे घर की बात करते थे, अब घर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोला दोनों की अलग अलग बात करो, हमें दोनों को मिक्स मैच करके बात नहीं करनी, दोनों की अलग अलग बात करनी है, क्योंकि अगर आप आगे क्वेश्चन को डिटेल में देखोगे तो एक रामू भाई साहब है जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और एक शामू भाई साहब है जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ग्रुप की अलग अलग कहानी बताई है और बोला है कि उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। अब जब उन्होंने स्पेसिफिकली अगर आप आगे देखें कि रामू जिसको 1200 शेयर्स अलॉटेड थे उस ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर ये वाले 40,000 शेयर अप्लाइड थे, आपको क्वेश्चन में बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि वो एक ग्रुप को अलग सॉल्व करना चाह रहे हैं, दूसरे ग्रुप को अलग सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूं, ठीक है, एक्सेस मनी कितना आ गया 30,000, अभी इतना छोड़ दिया, अगर मैं इस ग्रुप के अंदर आता हूं, इस ग्रुप के अंदर एक्सेस शेयर है 15,000,
अगर मैं इसे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे जो मेरे पास एक्सेस मनी है वो 45,000 आ जाएगा। मैं इसको नाम दे सकता हूं एक्सेस मनी का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी सीख लिया हमने बहुत अच्छे से कि भाई वो एक्सेस मनी ये है, यहां पे एक्सेस मनी ये है। अब एक बात बताओ, मेरा फिर वही क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया है उसके अंदर जिस तरीके से मैंने करवाया है वो मैं यहां पे भी आपसे पूछता हूं। अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप की बात करूं, अभी क्लोज ग्रुप की बात करें, अभी अपन इस ग्रुप की बात करें, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर कितने शेयर्स पे मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगवा सकता हूं, जितनों ने अप्लाइड किया या उसमें जिसको जितने अलॉट किए गए हैं। मैंने आपको बताया भी है शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, आप उन्हीं शेयर्स पे मंगवा सकते हो जितने आप अलॉट करते हो, क्योंकि एक्सेस मनी पूरा आपका एप्लीकेशन में एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पे अलॉटेड शेयर अगर 30,000 है, इंटू करूंगा मैं 4 रुपीज, और अलॉटमेंट का जो पैसा है मैं वो इस पे मंगवाऊंगा, मतलब टोटल अलॉटमेंट, अगर टोटल मनी ड्यू अलॉटमेंट का निकालता हूं 30,000 शेयर इंटू 4 रुपीज, 120,000 टोटल मनी ड्यू कहलाएगा, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर जो एक्सेस मनी है वो कितना है 30,000, मैं माइनस कर दूंगा एक्सेस, मतलब मुझे नेट अमाउंट रिसीवेबल जो था वो 90,000 रुपीज का था, कि इतना पैसा तो मुझे मिल जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या भाई, क्या ये पैसा मिला मुझे? नहीं, रामू भाई साहब जो है वो दगा दे गए, वो क्या कर गए, कॉल्स एंड अरियर्स। कैसे निकालूंगा, 90,000 रुपीज जो थे उसमें से मुझे 1200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, आउट ऑफ टोटल कितने शेयर्स, अलॉटेड शेयर इस ग्रुप में कितने थे 30,000, मैंने डिवाइडेड बाय 30,000 कर दिया, यानी मुझे 3,600 रुपीज नहीं मिले, यानी 86,400 मुझे इस ग्रुप से अलॉटमेंट का पैसा मिला। बड़ा सिंपल है, शुरुआत में करने में तो हर चीज अजीब लगती है लेकिन दिमाग में बिठाओ, इस ग्रुप के अंदर 40,000 शेयर अप्लाइड थे, 30,000 शेयर अलॉटेड थे, ठीक है। अगर मैंने एक्सेस निकाले इस ग्रुप से तो 10,000 शेयर एक्सेस निकल के आए, और हम भी जानते हैं कि एक्सेस शेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई होते हैं, 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी हमने 3 रुपीज किया तो हमारे पास जो एक्सेस मनी था वो 30,000 रुपीज पड़ा हुआ था। अब हमने इसी ग्रुप का अलॉटमेंट का पैसा निकालना चालू किया, कैसे किया, अलॉटमेंट अगर मैं मंगवाऊंगा तो अलॉटेड शेयर में मंगवाता हूं, 30,000 इंटू 4 रुपीज के हिसाब से एज अ कंपनी में अलॉटमेंट का पैसा जो मंगवाऊंगा वो 1,20,000 मंगवाऊंगा, लेकिन इस ग्रुप से मेरे पास एक्सेस मनी 30,000 पहले से पड़ा हुआ है, मतलब मुझे 30,000 रुपीज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं नेट अमाउंट अलॉटमेंट में मंगवाऊंगा वो 90,000 रुपीज का मंगवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ये 90,000 रुपीज जो मैं बुलवा रहा हूं उसमें से एक बंदा था रामू जिसके 1200 शेयर्स थे, अलॉटेड थे, लिखा हुआ है क्लियरली, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मैंने लिखा 90,000 रुपीज इनटू इसमें से कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला 1200 अपॉन टोटल शेयर कितने में से 30,000 शेयर्स में से 3,600 आ गया, ये वो पैसा है जो अलॉटमेंट का नहीं मिला है। मैंने माइनस किया, 86,400 इज द नेट अमाउंट जो मुझे इस ग्रुप से अलॉटमेंट का मिला, इस ग्रुप से अलॉटमेंट का पैसा निकल आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस ग्रुप से अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, उस ग्रुप से भी मिलेगा भाई अलॉटमेंट का पैसा, दोनों मिलके ही तो ये टोटल होगा ना यार। तो क्या करते हैं, चलो इस ग्रुप को छानना चालू करते हैं, ठीक है, क्या करें, अलॉटमेंट का इस ग्रुप से भी जो अलॉटेड शेयर्स है मैं उस पे मंगवाऊंगा, यानी अलॉटमेंट का जो 4 रुपए है वो 20,000 शेयर्स इनटू 4 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए 80,000, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप में एक्सेस पैसा कितना पड़ा हुआ है 45,000, माइनस कर दें 45,000, ठीक है भाई माइनस कर दिया, कितना बचेगा 35,000, मतलब इस ग्रुप से अलॉटमेंट का पैसा मुझे कितना मिलेगा 35, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा क्वेश्चन में कि जो शामू भाई साहब है उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उनने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो वहां पे देखेंगे, यहां पे तो उन्होंने पूरा पैसा दिया है, तो लिख दिया हमने भाई जो एक्सेस मनी है बस वो माइनस करके हमने दिखा दिया अलॉटमेंट का, यहां पे 35 मिलेगा, यहां पे 86,400, वहां पे 35,000, अलॉटमेंट का पैसा इन दो को मिला के मिलेगा ना भाई, बिल्कुल मिलेगा, क्या कर दें हम इसे एडअप कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 421,000 जो है वो दोनों ग्रुप का मिला के अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। कुछ कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग में दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप का अलग अलग पैसा निकाला जाता है, अलग अलग एक्सेस मनी करके निकाला जाता है, और दोनों को क्या कर दिया जाता है एक साथ जोड़ दिया जाता है, और तब हमारा फाइनल आंसर आता है, ठीक है। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही, जल्दी से नोट डाउन करो ताकि मैं इसको बता सकूं, और याद रखना एक काम करना, इस पे एक स्टार बनाना और ये एक्सेस मनी इस पे एक स्टार बनाना, ताकि जब हम जनरल एंट्रीज चालू करें तो आपके लिए काफी आसान हो जाए, जल्दी से कर लो इसको। हाँ भाई, तो चलो पहली एंट्री से चालू करते हैं, पहली एंट्री क्या बनेगी, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है 75,000 पे, 75 × 3 करेंगे तो आएगा, अब हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन का मनी हमने क्रेडिट किया है, जो पैसा रिसीव हुआ है उसको डेबिट करेंगे 2,25,000 को।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। मैं आपको बता चुका हूं बहुत क्लियरली कि शेयर कैपिटल में इशूड शेयर से ज्यादा पैसा नहीं जा सकता है। एप्लीकेशन का मनी है 3 रुपए, इशूड शेयर है 50,000, 50,000 इंटू 3 150,000 से ज्यादा पैसा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि कुछ भी शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं, सीधे बोला है 40 को 30 दिए हैं और 35 को 20,000 शेयर्स दिए हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट ही हुआ है जितने भी शेयर रिसीव हुए हैं, तो हमें मालूम है कि कहीं पे भी रिफंड या रिजेक्ट नहीं किए गए हैं शेयर्स। मतलब हमें जो सेकंड एंट्री बनानी पड़ेगी वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पूरा पैसा डालना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब आपने जो मैंने आपको स्टार बनवाए थे, अगर आपने मेरे साथ स्टार बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा पहले ग्रुप से जो एक्सेस मनी था वो था 30,000 रुपीज और दूसरे ग्रुप से जो एक्सेस मनी था वो था 45,000 रुपीज। याद है 45 प्लस 30 कितना हो जाता है, 75,000 रुपीस। हम यहाँ पे 75 वो एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है दोनों ग्रुप में अलग अलग, उसको जोड़ेंगे और यहाँ पे अलॉटमेंट की वैल्यू दिखा देंगे। आगे बढ़ूं, आगे क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम क्या करेंगे अलॉटमेंट का पूरा मनी ड्यू करेंगे। इशूड शेयर कितने थे 50,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है 4 रुपीज, यानी यहाँ पे ड्यू हो जाएगा 2 लाख। ये हमने अलॉटमेंट का मनी ड्यू कर दिया। अब क्या करें, अलॉटमेंट का मनी मिलेगा, लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। याद करो जो पहला वाला ग्रुप था उससे 86,400 मिले थे और जो दूसरा वाला ग्रुप था उससे 35,000 मिले थे। जल्दी से देख लो वर्किंग नोट में जाके, मुझे तो याद हो जाता है भाई, मैंने तो इतना प्रैक्टिकली शेयर्स को किया है कि सारी चीजें दिमाग में छपने लगती हैं। तो 86,400 जो था वो पार्ट ए मतलब पहले वाले ग्रुप से था और बाकी जो दूसरे ग्रुप से था वो कितना था, ठीक है ना, 35,000 था, कर लिया। चलो इसको दोनों को अपन ऐड किया था तो याद करो 121,400 आया था, हम इसको 121,400 लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये 121,400 क्या है, वो पैसा है जो अलॉटमेंट में मिला है दोनों ग्रुप को मिला के, एक्सेस मनी एडजस्ट करके, कॉल सिनेरियोस को एडजस्ट करके हमने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब अलॉटमेंट के बाद बोला गया था जो हमारे रामू भाई साहब हैं उनके शेयर अलॉटमेंट के जस्ट बाद 4 फीट हो रहे हैं, क्वेश्चन में देख लो लिखा हुआ है, ठीक है भाई। क्या करें, शेयर कैपिटल में पैसा लिखना है। अब यार मैंने आपको सिखा चुका हूं कि शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाता है जितना आपने मार्केट से मंगवाया है, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाया, आपने अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर कर लिया। तो एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का 4 रुपए, टोटल आप जो लेखा जोखा दोगे वो 7 रुपए का दोगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में आएगा भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 7 रुपीज के हिसाब से इंटू कितने शेयर है रामू के 1200, तो यहां पर आ जाएगा 8,400। अलॉटमेंट की वैल्यू हमने मिलके निकाली थी 3600 आई थी, यहां पे हम 3600 लिख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, फोर फीचर में जो भी बैलेंसिंग फिगर है 8,400 माइनस 3600 करके है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर 4,800 रुपीज आ गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लेकिन जो श्यामू भाई साहब है ना, उन्होंने उनके बारे में बड़ी अच्छी कहानी दी हुई है। श्यामू भाई साहब के दिए हुए अप्लाइड शेयर, और कभी भी क्वेश्चन अप्लाइड शेयर से नहीं होता है। आप दुकान में सोच के गए थे कि मैं 600 किलो चने लूंगा, लेकिन आप लेके आए सिर्फ 2 किलो। तो जो आपने सोचा था वो रियलिटी है या जो आप लेके आए वो रियलिटी है? लॉजिकली सोचा जाए तो जो आपने लिया है वो रियलिटी है ना, इमेजिनेशन कैन बी एनीथिंग। तो यहां मुझे ये लेना देना नहीं है कि श्यामू ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, मुझे लेना देना इससे है कि श्यामू को एक्चुअल में अलॉट कितने हुए थे शेयर्स। कैसे निकाले सर, शामू के जो 700 शेयर दिए हुए हैं वो जो ग्रुप है वो उसको बिलोंग करता है जिसमें 35,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, सही है। ये शामू के अप्लाइड शेयर हैं, अप्लाइड शेयर इनटू इस ग्रुप के अलॉटेड शेयर लूंगा जो कि 20,000 है, अपॉन इसी ग्रुप के अप्लाइड शेयर लूंगा जो कि 35,000 है। सिर्फ इस ग्रुप से ही क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि भाई ये ग्रुप के अंदर के ही शामू के शेयर हैं, तो मैं उसी हिसाब से उसके अलॉटेड शेयर निकालूंगा, कुछ नहीं करना मुझे। शामू के जो अलॉटेड शेयर हैं वो ऑटोमेटिकली 400 आ जाएंगे। मुझे हर एंट्री अलॉटेड शेयर से करनी होती है नो मैटर व्हाट। तो क्वेश्चन में यहां पे हमेशा ध्यान देना, कहीं क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर तो नहीं दिए हुए जैसे हमारे शामू के केस में दिए हुए थे। हमने 400 शेयर्स निकाल लिए, इसको नोट डाउन करो ताकि मैं यहीं पर एंट्रीज कर दूं। मैं यहीं पर, मुझे पॉज करो और नोट डाउन करो, ठीक है। करना चालू करें आगे की एंट्री, सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। देखो भाई, मार्केट में थे 50,000 शेयर्स, 50,000 में से रामू के जो 1200 शेयर्स हैं वो तो छीन लिया आपने, तो अब 50,000 में से 1200 तो माइनस कर दो क्योंकि वो 4 फीट हो चुके हैं, ये रही उसकी एंट्री। तो अगर मैं 1200 माइनस करता हूं वो आएगा 48,800,
तो 48,800 शेयर्स जो हैं वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, आपके 3 रुपीज जो फर्स्ट कॉल के हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 1,46,400 आ जाएगा आपका। ये 1,46,400 वो पैसा है जो फर्स्ट कॉल पे हमें मिलना चाहिए, लेकिन फिर एक भाई साहब है जिनका नाम क्या है, शामू, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो एंट्री बनाते हैं। हाँ भाई, 1,46,400 मिलने थे, इसमें से हमें शामू के शेयर के हिसाब से पैसा माइनस करना पड़ेगा। शामू के शेयर निकल के आए थे 400, इंटू 3 रुपीज के हिसाब से उसने और नहीं दिया, 1200 और नहीं दिया, तो हम 1,46,400 से 1200 और माइनस करेंगे, आ जाएगा 1,45,200। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1,45,200। ये पैसा वो है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शेयर भी फोरफीट करने पड़ेंगे। चलो इसको लिख लो, मैं फोरफीचर की एंट्री बनाता हूँ। ठीक है भाई, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा नहीं मिला उसके कारण शामू के शेयर भी फोरफीट किए गए, लेकिन शेयर कैपिटल में, क्योंकि मैंने फाइनल कॉल तक पैसा मंगवाया तो मुझे फाइनल कॉल तक का लेखा जोखा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, शेयर कितने हैं, 400 है शामू के, मल्टीप्लाइड बाय पूरे 10 रुपीज करूंगा, तो ये आ जाएगा 4000। जो शामू है उसने 400 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 400 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज कितना आ गया, 1200 रुपीज आ गया। ठीक है, बाकी कितना बचा, 2800 रुपीज। हम 2800 रुपीज यहाँ पे दिखा देंगे, ये हमारा फोर फीचर का बैलेंस है जो हमारे शामू भाई साहब है उनका। अब बोला गया कि पूरे के पूरे फोरफीटेड शेयर्स में से 1000 शेयर्स रीइशू हुए, और वो रीइशू हुए हैं 8 रुपए पे फुल्ली पेड अप के हिसाब से, जिसके अंदर शामू के पूरे शेयर्स हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा थोड़ा है, लेकिन पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, तो चलिए इसको करते हैं। कितने रुपए में रीइशू कर रहे हैं भाई हम, 8 रुपए में 1000 शेयर, तो यहां पे हम दिखा देंगे टोटल 8,000 रुपीज। 2 रुपए का नुकसान हो गया हमें, तो वो नुकसान शेयर फोरफीचर के नाम से आता है, तो हम लिख देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए में रीइशू किया है तो 2 रुपए का नुकसान, 2 रुपए इंटू 1000 शेयर, 2000 रुपए का नुकसान। और यहां पे लिख देंगे हम शेयर कैपिटल, ये पूरा 10,000 रुपीज से आ जाएगा, क्योंकि शेयर के बारे में बोला गया फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप होता है 1000 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10,000 का शेयर था, 8,000 में रीइशू हुआ है ₹8 पर शेयर पे, तो 2000 का हो गया नुकसान। फाइनली हमें एंट्री करनी है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे करें, शामू के पूरे शेयर लिए गए ना, मैंने आपको सिखाया है, क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर सबसे पहले रामू का, प्लस करेंगे उसमें क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर शामू का, माइनस करेंगे डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर किसका, रीइशू का। ऐसे ही लेंगे, रीइशू का तो सीधे सीधे पता है 2000, तो सीधे यहां पे लाल दो यार, माइनस 2000। ठीक है, रामू का जो क्रेडिट बैलेंस आया था वो 4800 रुपीज का आया था। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सुनना ध्यान से, 1000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, अगर शामू के मैंने 400 शेयर्स लिए तो बाकी रामू के कितने लिए होंगे, उसमें से 600, शामू के 400, इसके 600 हो गए 1000 शेयर्स रीशूट। ठीक है, तो शामू के 400 थे तो इसके 600 लिए हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ 1200, क्योंकि रामू के जो फोरफीटेड शेयर्स थे वो 1200 थे। ठीक है, इसका 2400 का क्रेडिट बैलेंस हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, शामू के क्योंकि पूरे शेयर लिए गए हैं, आप चाहो तो यही सेम फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो शामू का क्रेडिट बैलेंस है वो 2800 का है, मल्टीप्लाइड बाय शामू के टोटल 400 शेयर लिए गए हैं, और फोरफीटेड शेयर भी शामू के 400 थे, तो 400 से 400 कट होके 2800 ही बचेगा। 2800 प्लस 2400 ये कितना हो जाएगा भाई, 5200। 5200 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3200, और यहां पे आप 3200 का आंसर लिख दोगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से सुन लेना, शेयर फोरफीचर हमने किसका लिया, रामू का। क्रेडिट बैलेंस अगर आप रामू की जो अपन ने फोरफीचर की एंट्री की थी चेक करोगे तो उसमें 4800 आया था हमारा क्रेडिट बैलेंस, हमने मल्टीप्लाइड बाय किया, क्या किया इसमें, जितने रामू के शेयर लिए, क्योंकि शामू के जो 1000 शेयर रीइशू हो रहे थे उसमें से शामू के 400 अगर थे तो बाकी 600 रामू के थे, 600 किया डिवाइडेड बाय जो रामू है उसके टोटल फोरफीटेड शेयर थे 1200, तो डिवाइड बाय 1200 किया, कट ऑफ किया तो 2400 आया। जब हमने क्रेडिट ऑफ शामू फोरफीचर लेना था, शेयर फोरफीचर लेना था,
तो हमने 2800 लिया जो उसका क्रेडिट बैलेंस था शेयर फॉरफीचर का, इनटू शामू के टोटल पूरे शेयर रीइशू कर रहे हो जितने फॉरफीट किए थे, तो 400 अपॉन 400 कट हो गया, 2800 ये आ गया, 24 ये 100 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 5200 आया, जिसमें से 2000 माइनस किया तो 3200 हमारा आंसर आ गया। ये एक और ऐसा क्वेश्चन था जो जनरली आपसे पूछा जाता है, एक पार्ट थ्री का क्वेश्चन वो था जो आपसे पूछा जा सकता है, एक ये पार्ट फोर का हमने आपको क्वेश्चन बता दिया जो कि जनरली आपसे पूछा जाता है, पास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड के पेपर में भरा पड़ा है ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।